जो आगरा से है, जहां पर दारोगा की हत्या करने वाले विश्वनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में पुलिस टीम के साथ हथियारों की मुठभेड़ हुई है और हमारे साथ अजेंद्र हमारे संवाददाता भी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, विश्वनाथ की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई, क्या कोई और भी उसके साथी है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है? देखिए आरिफ, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, दरोगा दो भाइयों का ये विवाद था, आलू फसल के बंटवारे को लेकर ये विवाद था। जब इस विवाद को सुलझाने के लिए दरोगा प्रशांत नेहरा गांव पहुंचते हैं तो खेत पर ही तमंचा लहराते हुए जिस तरह से सूचना विश्वनाथ, जो विश्वनाथ का आरोपी विश्वनाथ का भाई शिवनाथ है, उसने सूचना दी थी कि तमंचा लहरा रहे हैं और मुझे मार सकते हैं। सूचना पर एक कांस्टेबल के साथ जो दरोगा प्रशांत है वो मौके पर पहुंचे थे और जब उसको साहस दिखाकर दरोगा सही दरोगा ने जब उसको पकड़ना चाहा तो उसने दरोगा से गोली मारी और गोली सीधे गर्दन में लगी, जिससे कि मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल एक ही आरोपी इसमें बताया जा रहा था और आरोपी विश्वनाथ की तलाश में लगातार आगरा की 10 टीमें लगी हुई थी। आज जिस तरह से यहाँ जो जयपुर में मुखबिर की सूचना पर जयपुर पुलिस सतर्क हुई और जो रोकने की कोशिश की तो इसने वहां भी पुलिस पर फायरिंग की और उसके बाद मुठभेड़ में इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। घायल आरोपी विश्वनाथ को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपी विश्वनाथ पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। शहीद दरोगा जयपुर में पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई और विश्वनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग की थी। बड़ी खबर आगरा से इस वक्त आपको बता रहे हैं, यही वो विश्वनाथ है जिसने दारोगा को मौत के घाट उतार दिया था और पुलिस 10 टीमें बनाकर विश्वनाथ के पीछे लगी हुई थी और आखिरकार मुखबिर की सूचना पर जयपुर पुलिस को कामयाबी मिलती है और विश्वनाथ पुलिस के हत्थे लग जाता है। खबरों में टाइम